रन मारा और 3 विकेट लिया और मैन ऑफ द मैच बन गया। Hey guys, welcome back to my new vlog video। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम लोग आए हुए हसनपुर रेलवे स्टेशन पर और मैं हूँ और मेरे साथ अभिनंदन भी है। इसको भी सुबह सुबह उठा लेते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और हम लोग का वीडियो भी ब्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी मैं इसलिए अभी मैं 6 बजे ही आता मगर कल रात में वीडियो एडिट नहीं कर पाया था, जल्दी सो गया था। फिर आज सुबह में वीडियो एडिट करते करते लेट हो गया, अपलोडिंग करने में भी लेट हो गया। इस वजह से मैं अभी 7 बजे सो 7 बजे घर से चला था तो अभी पहुंचा हूँ। इस तो रास्ते में ये भी मिल गया था तो अभी बस हसनपुर रेलवे स्टेशन के इधर आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है क्योंकि यहाँ ये हसनपुर रेलवे स्टेशन अब जंक्शन बन जाएगा कुछ दिन टाइम के बाद। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे पूरा दोनों साइड हो रहा है, ऊंचीकरण बना रहा है, ऊंचा कर रहा है इसको पूरा। और हसनपुर में जगह भी बहुत है रेलवे का, तो बनाएगा क्यों नहीं, ओवर ब्रिज और बना रहा है अच्छे से। पहले तो बहुत कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ कर रहा है, हो ही जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। और हसनपुर का थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी हो रहा है यहाँ, क्योंकि चीनी मिल भी है तो इसी कारण। तो और पहले तो कुछ नहीं था, चीनी मिल के कारण हसनपुर को सब जानते हैं, पहचानते हैं, कोई भी हसनपुर के नाम से हसनपुर शुगर मिल के नाम से जान जाते हैं। अभी यहाँ पे है ना हसनपुर से एक पहले कुशेश्वर स्थान के लिए रूट निकला है रेलवे का और अभी फिलहाल बरौनी के लिए भी रूट निकल रहा है। तो अभी उस दोनों एक रूट तो स्टार्ट नहीं हुआ है मगर कुछ टाइम के बाद स्टार्ट हो जाए, इस वजह से थोड़ा काम जल्दी जल्दी चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग था चलते फिरते था और आगे आ गए तो जहाँ मेन स्टेशन का मेन गेट है वहाँ पर आए तो पता चला कि अभी ट्रेन आने वाला है सहरसा से समस्तीपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन जो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आएगी। तो हम लोग जिधर नया प्लेटफॉर्म बनेगा कुछ टाइम के बाद उधर ही हम लोग ऐसे बस चल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो रहा है ये बस ऐसे वॉक रहे हैं, वीडियोज का कमी नहीं रहेगा। वो आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हम लोग बैंगलोर घूमने जा रहे हैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, कब जल्दी से जल्दी टाइम आ जाए। टिकट विकट तो बन गया है, मज़ा खूब आएगा इतना तो पता है कि आप लोग को भी मज़ा आएगा देखने में और हम लोग को भी बहुत मज़ा आएगा घूमने में। हाँ और ये कल रात में ही है ना हम लोग का टिकट कंफर्म हुआ था दरभंगा से बेंगलोर के लिए, तो वो 12 तारीख को है। तो ना 12 तारीख को सुबह 9:30 बजे से है ना पर दरभंगा के लिए दरभंगा से फ्लाइट है हम लोग का। तो उस दिन थोड़ा और जल्दी हम को उठना पड़ेगा। तो अभी तो ऐसे बहुत सारा टाइम बाकी है, अगर 18 दिन अप्रॉक्स बाकी है उसके लिए। तो अभी धीरे धीरे पैकिंग कर लेंगे तो उतना कोई टेंशन नहीं है। तो अभी ट्रेन आने में थोड़ा टाइम है और कैमरा भी बहुत भारी है तो हाथ चेंज ही करना पड़ता है। तो अभी पब्लिक में यहाँ पे ब्लॉग नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बस हसनपुर एक था मार्केट है और यहाँ पे भी था ना गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे तो ना बस कोई देख लिया क्या कर कैमरा का में क्या क्या बोल रहा है तो सब कुछ और ही समझेगा, इस वजह से पब्लिक को नहीं बना पाते हैं और पब्लिक में उतना बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग का नया वो है नया ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं तो है ना उतना पब्लिक के सामने भी नहीं बोल। पब्लिक के सामने तो दूर की बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले में भी कुछ नहीं बोल पाते हैं, कैमरा के सामने बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो धीरे धीरे अपना है ना बस ऐसे सीख रहे हैं, दूसरे का ब्लॉग वीडियो बहुत सारा है यूट्यूब पे तो वो देख के फिर धीरे धीरे अपना है ना ये बोलते हैं। तो उतना मेरा साउंड उतना क्लियर तो नहीं आता है मगर
एकदम स्टार्टिंग में जैसा होता है मिला जुला के एकदम सही ठीक ठीक ठाक हो जाता है बस। हे गाइस, तो अभी शाम के बजे 6 और मैं अभी अपने जगह पे आके बैठा हूँ। तो आप लोग जानते ही कि मेरा फेवरेट जगह कौन सा है। तो अभी आज अभी शाम में ये हुआ था, 4 बजे मैं गया था मैच खेलने के लिए अपने अपने हाई स्कूल में ही। तो वहाँ पर अभी टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट मैच। तो आज जो है ना हम लोग 12 ओवर में 180 रन बनाए और 100 रन से जीत गए 12 ओवर में 180 रन। तो उसमें मैं 25 रन मारा और 3 विकेट लिया और मैन ऑफ द मैच बन गया पहला ही मैच में, जो मैं बहुत टाइम के बाद खेलना स्टार्ट किया हूँ। तो वो भी मैं नहीं जा रहा था, तो सुबह में मैं नहीं जा रहा था तो मुझे सब कॉल करके बुलाया कि आइए आइए तो आइए भैया खेल लीजिएगा। तो ना एक मैच मैं खेल लिया, उसमें मैन ऑफ द मैच बन गया। तो अगले मैच में जाना ही पड़ेगा अब। तो अभी मैच खेल के आए हैं और कोल्ड ड्रिंक पी लिए, उसके बाद अभी आए हैं यहाँ पे अपनी जगह पे। तो आते टाइम तो ना हवा नहीं लगा, अब था हवा चल रहा है। ये पीछे अभी शाम का टाइम है। तो आज मैं पहले बताया था कि ना हम लोग आज का मैच जीत गए थे 100 रन के प्लस से। तो आज ना हम लोग पार्टी करने आए हुए हैं गुप्ता होटल में। तो यही सब हम लोग का टीम का मेंबर ये सब भी खेल रहा था आज। तो तभी गुप्ता होटल में आया, तो अभी देखते शेड्यूल मेन्यू में क्या क्या रहता था वो ऑर्डर करके तभी आज पार्टी यहीं पे करेंगे। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग का पार्टी है ना ख़त्म हो गया और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे बस पनीर चिली और ना रोटी खाए थे। तो यहाँ पे अभी यानी एक कूपन था जिसमें 1500 का खाने पर है ना 500 का डिस्काउंट मिलता है। तो वो बस कुछ कूपन पहले मिलता था उसके थ्रू होता है ये। तो अभी ख़त्म हो गया हम लोग का। तो अब सीधा चलते हैं घर, फिर वहाँ पे ड्रेस चेंज करके और सीधा सोएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो है ना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय।